जिन खबरों का आपको रहता है इंतजार, हमने बुना है उन खबरों का एक अनोखा संसार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना लगातार लोगों के लिए काल बना हुआ है और लोग इसकी चपेट में आते भी जा रहे हैं। कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और प्रशासन के लिए ये एक परेशानी का सबब है। कन्नौज में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ता मरीजों का आंकड़ा प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। बीते हुए दिन के साथ कन्नौज में कोरोना के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज 8 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी लोग कन्नौज के अलग अलग ब्लॉक से हैं, जिसमें से उमरदा के 4, तालग्राम का 1, छिबरा मऊ का 1 और सदर कोतवाली के 2 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 131 हो गई है, जिसमें से 79 एक्टिव मामले हैं और 52 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज कन्नौज जनपद में 8 नए केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनको मिलाकर के हमारी कुल संख्या जो है जनपद में 131 हो गई है, जिसमें 79 एक्टिव हैं और 52 हमारे ठीक हो चुके हैं। आज जो 8 केस आए हैं उनमें 3 कन्नौज के हैं और 4 उमरदा के हैं और 1 छिबरा मऊ का है। सभी जो मरीज आए हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है? ये दिल्ली और एक गाजियाबाद से और गुड़गांव से आए। सर, अभी तक जनपद में एक्टिव केस कितने बचे हैं? एक्टिव केस हमारे 79 है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में गुपचुप ढंग से आ रहे प्रवासी कोरोना के संकट को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी कन्नौज ने समस्त ग्राम सचिवों से प्रवासियों पर नजर रखने को कहा है, परंतु अभी सफलता नहीं मिलती दिख रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की लाख नसीहतों और मुख्यमंत्री की लाख सलाहों को ये भाजपाई नेता तार तार करते नजर आए। सत्ता की हनक में उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ा दी। मौका था यूपी के राज्य मंत्री अतुल गर्ग के दौरे का। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अतुल गर्ग आज कन्नौज पहुंचे। फर्रुखाबाद से लखनऊ वापस होते हुए मंत्री जी तय वक्त पर जिला अस्पताल पहुंच गए, लेकिन उनके साथ भाजपा नेताओं की पूरी फौज मौजूद थी। अधिकारियों ने एक बार भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया भी, लेकिन सत्ता की हनक में भाजपाइयों ने अधिकारियों की बात को अनसुना कर दिया। मंत्री जी भी भाजपा नेताओं को मना नहीं कर पाए। मंत्री जी पहुंचे हॉस्पिटल के निरीक्षण को, मरीजों से मुलाकात की और निरीक्षण में मंत्री जी ने जिला अस्पताल में सब कुछ दुरुस्त पाया। तो किसी भी मरीज ने, किसी भी रोगी ने एक भी बुराई किसी ने, और मेरे ख्याल से आप लोग भी साथ आप जिसके अंदर मुश्किल से 50 से 60-70 टेस्ट पर डे होते, 1.5 महीने के अंदर अंदर योगी सरकार में 15,000 टेस्ट पर डे होने लगे। 30 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर या 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर इस इतनी तेजी से जिस समस्या का पहले पता ही नहीं था, तो यही अकेली एक सरकार ऐसी है कि जो किसी स्तर पर भी काम कर रही है। आपकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकारी प्रयास उम्मीदों से ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि अस्पताल में सब कुछ मंत्री जी ने जरूर दुरुस्त पाया, लेकिन पीएम की लाख नसीहतें और सीएम के लाख सुझावों को दरकिनार करते हुए दिखे यहां के स्थानीय भाजपाई कार्यकर्ता और नेता, क्योंकि जहां पर आम आदमी बगैर थर्मल स्कैनिंग के अंदर नहीं घुस सकता, वहां जिला अस्पताल में किसी भी भाजपा नेता की स्कैनिंग करने की हिम्मत अस्पताल प्रशासन न जुटा सका। यह सब देख निरीक्षण बीच में ही छोड़ डीएम और एसपी चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल लिए। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। किस्मत भी किस किस को क्या क्या रंग दिखाती है। अभी शादी का जोड़ा पहने 24 घंटे भी ना हुए थे कि उसकी मांग उजड़ गई, उसके पति की करंट लग जाने से मौत हो गई। बदहवास सी बैठी इस दुल्हन का सुहाग शादी के 24 घंटे में ही उजड़ गया। शादी के दूसरे दिन जब पति सोकर उठा तो उसका हाथ अचानक कूलर पर पड़ गया। कूलर में करंट आ रहा था,
जिसमें चिपक कर दूल्हे की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसे के बाद दुल्हन बदहवास है और शादी वाले घर में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र सकरावा कस्बे के पठान मोहल्ले के रहने वाले 26 साल के मुजीब की गुरुवार को शादी हुई थी। शादी की रात परिजनों ने खुशी खुशी पति पत्नी को मंगल कामनाएं दी। बताते हैं कि सुबह सोकर उठे मुजीब का हाथ अचानक कमरे में चल रहे कूलर पर पड़ गया। कूलर में करंट आ रहा था, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। कूलर पर हाथ पड़ते ही वह करंट में चिपक गया। दूल्हा बने मुजीब की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक बारात गए थे, बारात आने के बाद में खाना पीना हुआ था। रात के 12-1 बजे ये अपने कमरे के अंदर थे। कूलर में ऐसे करंट आ रहा था, तो मैंने मना किया कूलर को मत टच करने। ये रात कोठे होंगे कुछ करने के लिए, कूलर में चिपक गए। कोसी के कारण ये हम लोग सब खेने घर पे बाहर के ऊपर आए। पता चला तब जाकर सचिया हॉस्पिटल छिपरा हुआ, वहाँ जाके क्या मैं तो घोषित कर दिया था। वहाँ से जो पहुँचे थे 24 घंटे में ही दुल्हन का सुहाग उजड़ गया। अपने कमरे में बदहवास बैठी दुल्हन के आंसू पूरी तरह सूख चुके हैं। वही जवान मौत के बाद शादी वाले घर में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई विधवा हो चुकी दुल्हन को देखकर गमगीन है, तो जवान मौत के बाद युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कोरोना का खौफ हमारे किसानों को दोहरी मार दे रहा है। टमाटर पैदा करने वाले किसान खून के आंसू रो रहे हैं। या तो उन्हें टमाटर औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है, या फिर उन्हें टमाटर यूं ही फेंकना पड़ रहा है। तो पेश है हमारी खास रिपोर्ट। जनाब ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, जिसको आप अपने टेलीविजन स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बगैर आपका स्वाद अधूरा रहता है। न जाने कितने रूपों में मैं आपको स्वाद के न जाने कितने जायके देता हूँ। मेरी मौजूदगी के बगैर आपका व्यंजन अधूरा रहता है। बच्चे हों या बुजुर्ग, सब मुझे बड़ा पसंद करते हैं। पर बावजूद इसके जरा मेरी किस्मत तो देखिए कि मुझे पैदा करने वाला, मेरी पैदावार करने वाला बेमौत मर रहा है। अब वो टमाटर की खेती से तौबा कर रहा है। स्थिति ये हो गई कि पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, अब कुछ सुधरी। 50 रुपये क्रेट से गई थी, अब 150। लॉकडाउन वजह से हुआ था। तो क्या उम्मीदें लगाई थी जो आपने फसल बोई थी? उम्मीद तो लगाई थी कि हर साल में हो जाता, तो इन साल बिल्कुल पिट गए। तो क्या लागत निकल पा रही है? नहीं निकली साहब, लागत तो लागत रही, लेबरी तक नहीं निकली। जनपद कन्नौज में करीब 5000 हेक्टेयर एरिया में किसान मेरी खेती करते हैं, मोटा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन इस बार तो मांग बिल्कुल है ही नहीं। किसान परेशान हो गए हैं, खेती का आलम और उसके ऊपर कोरोना का आलम, सब कुछ बेमौसम सा हो गया है। मेरे लिए सारी महफिलें सुनसान हो गई हैं। न जाने कितने किसानों ने तो बिक्री ना होने के कारण मुझे कूड़े में फेंक दिया, और अब जो कुछ मेरा माल बचा है उसके भी फेंके जाने के आसार हैं। किसानों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले 75% दाम कम मिल रहे हैं। बार हमको फायदा नहीं नुकसान हुआ है। लगान पे खेत किया था, उसके भी सिंचाई हुई, 10 पानी लगे हैं, 150 रुपये भी घर चलता है। बीज बोया, खाद डाली, लेबरी तक नहीं निकली है। कोरोना का ये असर है, ये नहीं तो इतना सस्ता नहीं रहता जितना था। 50 रुपये क्रेट, अगर लॉकडाउन ना होता 100-150 रुपये क्रेट जाती रहती हर साल की तरह। ऐसी बात, अब तो फायदा होना ही नहीं, क्योंकि टमाटर खत्म हो चुका है। 1 महीने हो गया निकलते निकलते, जो कुछ निकलना था निकल चुका। अब थोड़ा बहुत बचा है 10-20 क्रेट, कोई भी नहीं। इसमें शायद कुछ लागत पानी सीधी हो जाए, अगर थोड़ा महंगा हो जाए। फिलहाल तो स्थिति खराब ही है। ऐसा
पहली बार हुआ हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्षेत्र में किसानों के फसल के लिए कोई स्थायी व्यवस्था अब तक तो की ही नहीं गई, जिससे उसकी फसल का उचित दाम मिल सके, और ऊपर से कोरोना की मार। अब जरा सोचिए तो सही, कन्नौज में 50 रुपए का एक कैरेट टमाटर मिल रहा है, जिसमें लगभग 30 से 35 किलो तक टमाटर होता है। कितने रुपए किलो आप सोच रहे होंगे, तो चलिए हिसाब आप लगाइए, और जब हिसाब लग जाए तो जरा कोसिए इस सरकारी सिस्टम को और किस्मत देखिए हमारे अन्नदाता की। अफसोस कर लीजिए, थोड़ा आंसू बहा लीजिए, क्योंकि मोटी चमड़ी वालों पर तो फर्क कुछ पड़ता भी नहीं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने कन्वर्जन कॉस्ट में बढ़ोतरी कर दी है। प्राइमरी के प्रत्येक विद्यार्थी पर अब यह 4.97 रुपए और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी पर 7.45 रुपए व्यय होंगे। खाद्यान्न सामग्री के बढ़ रहे दामों के बीच कई बार शिक्षक संगठनों द्वारा मांग की जाती रही है कि मध्याह्न भोजन की कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ाई जाए। शासन ने जिन बच्चों को मार्च से लेकर अब तक भोजन नहीं मिला है, उन बच्चों के लिए उनकी कन्वर्जन कास्ट और राशन हेतु उनके खाता संख्या, उनका आधार कार्ड, सारी सूचनाएं चाही गई हैं, जिसके सापेक्ष यहां पर बच्चों के बुला करके एक एक करके उनके आधार कार्ड और खाता नंबर लिए जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा अभियान? बहुत जल्दी पूरा करना है, क्योंकि 400 बच्चों में बच्चे हैं, इसलिए 3 से 5 दिन लग सकते हैं अभी। और शासन के निर्देश पर विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस समय स्कूल पहुंचकर प्रतिदिन पंजीकृत बच्चों का आधार कार्ड, बैंक खाता की डिटेल आदि पूरा विवरण नोट कर रहे हैं, ताकि पत्रावली तैयार कर उन्हें शासन को शीघ्र भेजी जा सके। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। सौरिक में सत्याग्रह के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पूरे राज्य में साझा रसोई कांग्रेस पार्टी द्वारा खोली गई है, जिसमें आज कांग्रेसी नेताओं द्वारा नादेमऊ रोड पर स्थित ईंट भट्टों पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को भोजन के पैकेट बांटे गए, जिन्हें पाकर मजदूर खुशी से फूले नहीं समाए। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेंकटेश शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीब और असहाय लोगों के लिए पूरे प्रदेश में रसोई घर खुलवाया गया है, जिसमें निःशुल्क भोजन गरीबों को वितरण किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है, हमारे प्रदेश और नगर का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रमोद शाक्य और साथ में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। द पंचौरा न्यूज के लिए हसेरन से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। छिबरामऊ के गांव मिघौली, भोगपुर, हमीरपुर, करनौली में राशन किटों का वितरण किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंदों को अक्षय पात्र फाउंडेशन लखनऊ द्वारा ये राशन उपलब्ध कराया गया। राशन किटों का वितरण पूर्व खनन राज्य मंत्री व भाजपा विधायक अर्चना पांडे द्वारा किया गया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष गौरव द्विवेदी, शिव कुमार सिंह, अरविंद दुबे आदि लोग मौजूद रहे। पात्रों को दी गई किट में 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1 लीटर सरसों का तेल आदि सामग्री किट में रखी गई है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कन्नौज अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में क्वार्टर गार्ड, भोजनालय, बैरिक, कैंटीन एवं पुलिस लाइन परिसर की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया और संबंधित दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कन्नौज में जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन लगातार चौकन्ना है। पुलिस फोर्स को कोरोना से बचाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह एक के बाद एक कई फैसले ले रहे हैं,
और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। ठटिया थाना में तैनात एक सिपाही गुरुवार की रात अचानक बेहोश हो गया। शुक्रवार की सुबह थाना अध्यक्ष ने सिपाही को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। सिपाही पवन कुमार गुरुवार की रात खाना खाने के बाद अपनी बैरक में जाकर सो गया। शुक्रवार की सुबह उसके ना उठने पर सिपाहियों ने बैरक में जाकर देखा तो सिपाही बेहोशी की हालत में पड़ा था। सिपाहियों ने थाना अध्यक्ष विजय बहादुर वर्मा को इसकी जानकारी दी। थाना अध्यक्ष ने सिपाही को राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। यहां पर चिकित्सकों की टीम द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सिपाही के परिजनों को सूचना दे दी गई है। थाना अध्यक्ष के मुताबिक शुक्रवार की देर शाम सिपाही को होश भी आ गया है। द पंचौरा न्यूज के लिए खटिया से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।